विष्णु, तुम्हारे भक्त प्रहलाद ने मुझसे मेरे पुत्र तो छीन लिए, पर उसे ज्ञात नहीं कि मैं अपनी हार तो स्वीकार कर सकता हूं पर उसे भूल नहीं सकता। तुम देखना कि विरोचन अपने अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार करता है। प्रहलाद ने जिस प्रकार मेरे पुत्रों से मुझे पराजित करवाया, ठीक उसी प्रकार अब मैं भी उसी के पुत्रों से उसे पराजित करूंगा। इसके लिए मैंने 30 वर्षों तक प्रतीक्षा की है। असुर लोक के सामंतों, असुर लोक के प्रियजनों, जब सूर्य नहीं रहता तो प्रकृति आकाश में चंद्रमा को सजा देती है। प्रकृति ने यह नियम इसलिए बनाया है ताकि सृष्टि में सदा उजाला रहे। कुछ ऐसी ही दशा राज्य की भी होती है। राज्य में सदैव न्याय और सुव्यवस्था का उजाला बना रहना चाहिए। यदि किसी कारणवश राज्य में राजा ना हो तो भी न्याय और प्रशासन में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। युवराज नियुक्त करने का नियम इसी उद्देश्य से बनाया गया है और आज वो शुभ अवसर आ ही गया है जब मैं अपने सिंहासन को एक उत्तराधिकारी और अपनी प्रजा को एक युवराज दूं। पुत्र पिता की छवि होता है, युवराज राजा की परछाई होता है। मैं आज आप सबके समक्ष आप सबको साक्षी बनाकर अपने ज्येष्ठ पुत्र विरोचन को अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी और आपका युवराज घोषित करता हूं। युवराज विरोचन की जय! 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 ओम रत्ने कल्पितमासनम विमजले स्नानम च दिव्यांबरां नानारत्न विभूषितां भगवदा मोदांकितं चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र चचितं पुष्पं च धूपं तदा दीपं देवदयानिधे पशुपते अलकल्पितं वर्णां सौवर्णे मणिकर्णित रत्न चित्ते पात्रे सुखं पायसं स्वम् ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पवा स्वस्ति न भूता विश्वे देवा कल्पितमासनं विमजले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितां भगवदा मोदांकितं चंदनं जातीजं बिल्वपत्रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते अलकल्पितं वर्णां सौवर्णे मणिकर्णितरत्नचित्ते पात्रे सुखं पायसं स्वच्छं पञ्चविधिपयोदितं रम्भाफलं पानकं शाकानाय मयूजलं यशस्वी भव। तेजस्वी भव। दीर्घायु भव पौत्र,
मुझे अपने परचिनों पर चलने का आशीर्वाद दीजिए महाराज। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्र, परंतु अधिक आवश्यक यह है कि तुम प्रजा का भी आशीर्वाद प्राप्त करो और उसे आश्वस्त कराओ कि तुम उसे न्याय दोगे, सुरक्षा दोगे, संरक्षण दोगे। तुम सदैव उसके सुख, समृद्धि और कल्याण की सोचोगे। यशस्वी भव पुत्र। असुर लोक के प्रिय जनों, मैं वचन देता हूं, मैं असुर लोक की महानता और कीर्ति बनाए रखने के लिए सदैव अपने उन अधिकारों का प्रयोग करूंगा जो मुझे युवराज होने के नाते दिए गए हैं। मैं इस राज्य की शक्ति में समृद्धि, वृद्धि और ख्याति के लिए सदैव तन मन से तत्पर रहूंगा। युवराज विरोचन की जय! 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 पुत्र विरोचन, मैंने तुम्हें जन्म अवश्य दिया है, किंतु तुम्हें शिक्षा गुरुदेव शुक्राचार्य ने दी है और शिक्षा सृष्टि का महानतम धन है। तुम मेरा अंश अवश्य हो, पर ज्ञान का जो अंश तुम्हें मिला है वो गुरुदेव शुक्राचार्य से मिला है। तुम उनसे मार्गदर्शन मांगो, मैंने तुम्हें अधिकार दिए हैं, वो तुम्हें युवराज धर्म का मार्ग दर्शाएंगे। हे महान गुरु, हे विद्या मूर्ति, हे ज्ञान और नीति के महानतम ज्ञाता, मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे बताइए कि मैं अपने युवराज जीवन का शुभारंभ किस प्रकार करूं। प्रिय शिष्य, तुम आखेट से अपने इस नए पद का शुभारंभ करो। आखेट से? हे गुरुदेव, इस महान पद का आरंभ एक ऐसी क्रिया से क्यों हो जिसका विशेष और प्रमुख अंग है हत्या? महाराज, आखेट राजाओं के गौरव का प्रमुख कारण है, आखेट राजाओं के अधिकार का मुख्य प्रतीक है लक्ष्य साधना, शत्रु को घेरना, शत्रु को भयभीत करना, आखेट के अंग है। आखेट युद्ध का अभ्यास होता है, युद्ध का एक छोटा सा रूप है। होता है गुरुदेव, अवश्य होता है, परंतु एक निर्दोष और असहाय पशु की हत्या भी आखेट का मुख्य अंग होता है। तो क्या हुआ महाराज? जीवा जीवस्य भोजनम्, जीवी जीव का भोजन होता है। पशु भी तो एक दूसरे की हत्या करते हैं, जब उनमें दोष नहीं तो आखेट में क्या दोष है? हे गुरुदेव, पशु एक दूसरे की हत्या करते हैं अपना आहार प्राप्त करने के लिए, परंतु आपने स्वयं कहा जीवा जीवस्य भोजनम्। प्रकृति ने एक पशु को दूसरे पशु का आहार बनाया है, परंतु आहार के लिए पशु की हत्या करना और अपने मन बहलावे के लिए पशु की हत्या करने में अंतर है। नहीं राजमाता, नहीं। राजा यदि न्याय देता है तो दंड भी देता है, उचित समय पर विनम्रता का प्रदर्शन करता है तो उचित समय पर कठोरता का प्रमाण भी देता है। राजा में यदि प्रजापालन का गुण होना चाहिए तो एक वथिक की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। आखेट इसी प्रवृत्ति को जन्म देता है,
गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है और मैं इस आदेश का पालन अवश्य करूंगा। यशस्वी भव। हे कमलनयन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य कैसी शिक्षा दे रहे हैं? वो मेरे पौत्र को हत्या और हिंसा का मार्ग दिखा रहे हैं। महादेवी, हिंसा की प्रवृत्ति तो प्राणियों के जीवन प्रणाली में बसी हुई है। मानव समाज जब तक हिंसा से घृणा करने का गुण उत्पन्न नहीं करता, तब तक वो किसी न किसी रूप में हिंसा का प्रयोग करता रहेगा। कभी राज्य के नाम पर, कभी युद्ध के नाम पर, कभी अधिकार के नाम पर और यदि कुछ भी नहीं तो आखेट के नाम पर। महादेवी, जिस दिन मानवीय मन से स्वार्थ नाम का रोग निकल जाएगा ना, उस दिन हिंसा भी समाप्त हो जाएगी और फिर शुक्राचार्य जैसे गुरुओं की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। तो क्या पौत्र विरोचन पुत्र प्रहलाद के पदचिन्हों पर नहीं चल पाएगा? महादेवी, जिस प्रकार पहले अंकुर जन्म लेता है, फिर वही अंकुर पौधा बन जाता है, पौधा वृक्ष में परिवर्तित होता है और तब जाकर वृक्ष में फल आते हैं, उसी प्रकार सबसे पहले मन में सुंदर विचारों का जन्म होता है, फिर वही सुंदर विचार मन में भक्ति को जन्म देते हैं और तब जाकर भक्ति जीवन के सुंदर नियम उत्पन्न करती है। महादेवी, प्रह्लाद ने जिस भक्ति की प्रवृत्ति को जन्म दिया है, उसे जीवन का नियम बनने में अभी देर है। आसुरी प्रवृत्तियां इतनी सरलता से पीछा नहीं छोड़ेंगी, उन्हें दूर करने में कई पीढ़ियां बीत जाएंगी। महादेवी, असुर राजवंश में हिरण्यकश्यपु के अहंकार और प्रह्लाद की भक्ति के बीच एक मौन युद्ध चल रहा है अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है, हिरण्यकश्यपु के अहंकार की या प्रह्लाद की भक्ति की। स्वामी, आपको पुत्र विरोचन का आखेत पर जाना अच्छा नहीं लगा ना? प्रश्न अच्छा या बुरा लगने का नहीं है देवी, प्रश्न यह है कि कोई महान और दायित्व वाला पद प्राप्त करने के उपरांत प्राथमिकता किस कार्य को दी जाती है। मैं जानता हूं कि युवराज आखेट भी करते हैं, किंतु राजा केवल आखेट ही तो नहीं करते, राज्य और जीवन के हर क्षेत्र में भाग लेना पड़ता है उनको। मुझे अधिक प्रसन्नता होती यदि पुत्र विरोचन किसी और क्षेत्र से अपने अधिकारों का शुभारंभ करता, पर उसने आखेट को चुना। इसका कोई बहुत अधिक खेद भी नहीं है मुझको। आदित्य, हे विष्णु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज मेरा पौत्र विरोचन युवराज बन गया है। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि वह अपने ही जीवन में अपने पुत्र को सिंहासन पर विराजमान और अपने पौत्र को युवराज बनते देख ले।
आप धन्य है प्रभु, धन्य है आप। प्रहलाद, क्या हुआ माते? आप बहुत घबराई हुई माताश्री, सब कुशल तो है ना? पुत्र, मैं पौत्र विरोचन के युवराज बनने पर भगवान आदित्य को धन्यवाद देने गई थी, और मैंने एक भयंकर आंधी को उस ओर उठते देखा जिधर पौत्र विरोचन गया हुआ है। इतनी भयंकर गरज और चमक हो रही थी कि मैं घबरा गई। तो क्या हुआ माते? नहीं पुत्र, ये हंसने की बात नहीं है, मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है, कहीं मेरा पौत्र इस आंधी पानी में गिर न जाए। हे ईश्वर, आप दोनों अकारण ही चिंतित हो रही हैं। वो वीर है, बलवान है, इन विपदाओं का सरलता से सामना कर सकता है, और फिर युवराज को तो संकटों का सामना करने का अभ्यास भी होना चाहिए। नहीं पुत्र, यह कोई साधारण झंझावात नहीं दिखाई देता, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। स्वामी, मेरा पुत्र किसी विपदा में न पड़ जाए। हाँ पुत्र, वह अकेला गया है, तुम उसकी सुरक्षा के लिए और सहायता के लिए कुछ सैनिकों को भेज दो। नहीं माते, यह उचित ना होगा। क्यों उचित ना होगा? राज्य के साधनों का राजभवन के लोगों और राजकुमारों की सुरक्षा के लिए उपयोग करना अच्छी नीति नहीं है। यह विचित्र तर्क है तुम्हारा। तनिक धीरज धरकर सोचिए तो इस तर्क में कोई विचित्रता नहीं। यदि ऐसा किया गया तो सभी सामंतगण राज्य के सुरक्षा साधनों का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए करना आरंभ कर देंगे। धीरे धीरे अपने चारों ओर सशस्त्र सुरक्षा रखना गौरव और सम्मान का प्रतीक बन जाएगा। इससे एक तो राज्य के राजकोष पर बोझ पड़ेगा और दूसरा राज्य और सामान्य नागरिकों की सुरक्षा की ओर से ध्यान हट जाएगा। सुरक्षा में घिरे हुए राज कर्मचारी प्रजा से दूर होते जाएंगे। परंतु स्वामी, इसका यह अर्थ तो नहीं कि राज परिवार को असुरक्षित छोड़ दिया जाए। राजा और शासक को अपनी सुरक्षा से अधिक प्रजा की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए महारानी। परंतु विरोचन केवल युवराज ही तो नहीं, हमारा पौत्र भी तो है। अवश्य है, पुत्र का संरक्षक पिता होता है। मैं एक राजा के रूप में नहीं, एक पिता के रूप में भी उसकी रक्षा करना चाहता हूं। जब से आपने आंधी की बात कही, मैं स्वयं अपने पुत्र के लिए चिंतित हूं। मैं स्वयं उसकी सहायता करूंगा, परंतु इस कार्य के लिए राजा के अधिकारों का प्रयोग नहीं करूंगा। आप चिंतित ना हो महारानी, मैं स्वयं जा रहा हूं।
देखा आपने कमल नयन, पुत्र प्रहलाद ने क्या किया? क्या किया महादेवी? पुत्र की रक्षा के लिए इतने भयानक झंझावात में स्वयं राजभवन से निकल पड़ा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपके पुत्र ने पितृधर्म का निर्वाह किया। मानती हूँ कमल नयन, परंतु पुत्र प्रहलाद को अपने प्राण संकट में डालने के स्थान पर सैनिकों को सहायता के लिए भेज देना चाहिए था। इस विषय में मैं कयाधु और धृति से सहमत हूँ। और इस विषय में मैं आपके पुत्र प्रहलाद से पूर्णतया सहमत हूँ। क्यों? क्यों? सुना नहीं आपने उसका तर्क? उसके तर्क में कितना बल है। महादेवी, राजा केवल अपने पुत्र का पिता नहीं होता, समस्त प्रजा का पिता होता है। समस्त प्रजा की संतान उसकी अपनी संतान होती है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए जिस प्रकार ईश्वर समस्त संसार की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। सैनिक और सेना का बल तो प्रजा की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए होता है महादेवी। उनका प्रयोग अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करना सर्वथा अनुचित है। शासकों, सामंतों और राज्य कर्मचारियों को सशस्त्र सैनिकों के बीच घिरा हुआ देखकर प्रजा उनके पास जाते डरेगी, और यदि प्रजा उनके पास जाएगी ही नहीं तो प्रजा की विपदा का उन्हें ज्ञान कैसे होगा। और ये तो कोई अच्छी नीति नहीं हुई महादेवी। आपका पुत्र जो कर रहा है वही उचित है। मुझे भी अब अपने पुत्र के तर्क के बल का आभास हो रहा है। वास्तव में राजा बनने के उपरांत भी उसकी विनम्रता में कोई कमी नहीं आई, पर उसे संकट में घिरता पाकर मेरी चिंताएं भी स्वाभाविक हैं। हाँ महादेवी, जानता हूँ कि आप नारी हैं, एक माता हैं, और इसीलिए अपने पुत्रों के लिए चिंता करना स्वाभाविक है, परंतु यही तो आपकी महानता का प्रमाण भी है। मित्र, आप कौन हैं और इस घने वन में क्या कर रहे हैं? मैं ऋषि अंगिरा का पुत्र सुधन्वा हूं। पिताश्री का आदेश था कि मैं एकांत में जाकर तपस्या करूं, इसी उद्देश्य से मैं आज ही वन में आया था, परंतु आप कौन हैं? मैं असुर सम्राट प्रहलाद का पुत्र युवराज विरोचन हूं। आपकी वेशभूषा को देखकर मेरा यही अनुमान था, परंतु युवराज, आप और इस वन में? आखेट, मैं भी अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर अपने युवराज पद का आरंभ आखेट से करना चाहता था, किंतु यहाँ पर आते ही भयंकर वर्षा ने घेर लिया। अरे, आप तो मुझे बचाते हुए घायल हो गए। घायल तो आप भी हो गए मित्र। कैसा संयोग है, हम दोनों एक ही समय एक ही कारण से घायल हो गए। हमें यहां से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, इस वन में रहने से संकट और भी बढ़ सकता है, हमें शीघ्र ही निकलना चाहिए।
ऋषि पुत्र, वो देखिए वहां दूर एक कुटिया दिखाई दे रही है। इस वन के पास कुटिया होने का अर्थ यही लगता है कि किसी ऋषि की कुटिया है। चलो युवराज, लगता है भाग्य हमारा साथ दे रहा है। चलिए। कोई है क्या इस कुटिया में? कोई है? यदि कोई भीतर है तो हमारी सहायता करें। दोनों तो बहुत घायल हैं। शीघ्र भीतर आइए, आपके घावों पर लेप लगाने की आवश्यकता है। पधारी अतिथिगण, घबराइए मत, आइए। आप दोनों को अब कोई कष्ट नहीं होगा। मैं आपके घावों पर लगाने के लिए लेप ले आती हूँ। सुनिए, मुझे वन सुंदरी का अब तक परिचय प्राप्त नहीं हुआ। ये ऋषि वत्स की कुटिया है और मैं उनकी पुत्री दीपावली हूँ। दीपावली? मैं इस कुटिया से फूटने वाले प्रकाश को दूर से दीपक का प्रकाश समझ बैठा था, किंतु अब क्या हुआ, वो प्रकाश दीपक का नहीं था। तुम सिर से पांव तक प्रकाश ही प्रकाश हो। जिसने भी तुम्हारा नाम दीपावली रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है। वास्तव में तुम जहां भी होगी वहां उजाला ही उजाला होगा। मुझे आप दोनों के घाव और पीड़ा की चिंता है और आप दोनों कविता कर रहे हैं। ठहरिए, मैं आपके लिए लेप ले आती हूँ। मुझे अब तक अतिथिगण का परिचय मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बस आप दोनों को देखकर यह अनुमान अवश्य होता है कि आप में से एक राजकुमार और दूसरा ऋषि है, पर इतना जान लेना तो पर्याप्त नहीं? मैं असुर सम्राट प्रहलाद का पुत्र युवराज विरोचन हूँ। मैं ऋषि अंगिरा का पुत्र सुधन्वा हूँ। अरे, इतने महान व्यक्ति और मेरी इस कुटिया में! मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि महान विष्णु भक्त और सम्राट प्रहलाद के युवराज और महान योगी ऋषि अंगिरा के सुपुत्र एक साथ मेरी इस कुटिया में पधारेंगे। मुझे तो लगता है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ मेरी इस कुटिया में उतर आए हैं। मैं अपने भाग्य पर जितना गर्व करूं कम है। देवी, तुम्हारे पिताश्री कहां गए हैं? वे वशिष्ठ आश्रम गए हैं युवराज। जब उन्हें ज्ञात होगा कि आप दोनों इस कुटिया में पधारे थे और मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला, तो वे भी बहुत प्रसन्न होंगे। पिताश्री को भी अधिक प्रसन्नता होगी जब उन्हें पता चलेगा कि मैं महान ऋषि वत्स के आश्रम हो आया हूँ। परंतु आप इस कुटिया की ओर कैसे आ निकले युवराज?
मैं वन में राह भटक गया था, तुम्हारी कुटिया के प्रकाश ने मेरा मार्गदर्शन किया और मेरा भाग्य मुझे यहां ले आया। मैंने भी दूर से जब इस कुटिया को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कष्ट का निवारण यहीं होगा। पीड़ा कम हुई युवराज? मैंने पूछा, कम हुई पीड़ा? पीड़ा? कौन सी पीड़ा? घाव की। इन घावों की पीड़ा तो न जाने कहां चली गई। एक नहीं, मीठी सी पीड़ा जाग उठी है, और ये पीड़ा कम ना हो तो ही अच्छा है। इस पीड़ा में एक विचित्र सा आनंद मिल रहा है। लाइए, आपके घाव पर भी लेप लगा दूं। आयुष्मान अस्तु मे पतिरे धन्ताम ज्ञातयो मम स्वाहा। इदं अर्यमणे चतुभ्यं संवननं तदग्निर्मन्यतामिव स्वाहा। इदं अग्नये हिरण्यममः। कैसे चांद से पुत्र वधु लाए हैं मेरा पुत्र। हाँ दीदी, अब तो हमारे आश्रम की शोभा और भी बढ़ जाएगी। अब कैसा लग रहा है ऋषि पुत्र? कहाँ खो गए थे आप? मैं पूछ रही थी, अब घाव की क्या दशा है? तुम्हारे हाथों में न जाने कौन सा जादू है देवी। तुमने जैसे ही मेरे घाव को छुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे घाव कभी था ही नहीं। कितना कोमल था तुम्हारा स्पर्श। आप दोनों न जाने कब से भूखे प्यासे होंगे। मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। भोजन ग्रहण कीजिए अतिथिगण। अरे, आपकी उंगलियों में तो घाव है। लाइए, स्वयं मैं खिलाती हूँ।
आप क्यों नहीं भोजन कर रहे ऋषि पुत्र? आपकी उंगलियों पर तो घाव नहीं। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। क्या? कि मेरी उंगलियां क्यों घायल नहीं है? देखिए आपने प्रेम की लीला महादेवी। मैं तो इसमें भी आप ही की लीला देख रही हूँ कमल नयन। मैंने तो सृष्टि की नींव ही प्रेम पर रखी है महादेवी। जब ब्रह्मा ने मनु और शतरूपा को जन्म दिया था तो मैंने उन दोनों के मन में चुपके से प्रेम की भावना को डाल दिया था। प्रेम जीवन की महान शक्ति है, महान प्रेरणा है। प्रेम मन में विनम्रता, विचारों को सहनशीलता और जीवन को दुख झेलने की क्षमता देता है। पर उस समय क्या होता है कमल नयन, जब एक ही दीपक पर दो पतंगे पागल हों और एक ही पुष्प के दो मतवाले हों? तब तो प्रेम कथा में रस और बढ़ जाता है महादेवी, और विवेक की कड़ी परीक्षा होती है। तभी तो अवसर मिलता है ये देखने का कि कौन स्वार्थी है और कौन त्याग कर सकता है, कौन प्रेम को शक्ति से जीतना चाहता है और कौन प्रेम को केवल प्रेम से जीतना चाहता है। न जाने विरोचन और सुधन्वा में से दीपावली का प्रेम कौन जीत पाता है। ये तो ब्रह्मा ही जाने। आप तो बस उनके प्रेम की सुंदर लीला को देखती रहिए। कौन चुकाए मोल अब किसकी होगी जी, विजयी तो होगा वही जिसकी सच्ची प्रीत। अपना पाखो सके कर दे सब कुछ दान, आत्मसमर्पण जो करे प्रेमी वही महान, प्रेमी वही महान। जो सुने चल